अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हैप्पी टमी विद नाज़िया। फ्रेंड्स, आज मैंने क्रिसमस स्पेशल कपकेक्स बनाए हैं, रेड वेलवेट कपकेक्स जो कि स्टार शेप में हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। ऑल पर्पज़ फ्लावर मैंने लिया है 1 1/4 कप एंड कोका पाउडर 1.5 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और अच्छे से इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। और यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून और अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। मैंने दूसरे बोल में 1/4 कप बटर लिया है, रूम टेम्परेचर होने चाहिए, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑफ शुगर और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंड ब्लेंडर की हेल्प से बीट करेंगे। फिर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 बिग एग और इसे भी अच्छे से बीट करेंगे। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल 1/2 कप। मैंने बटर एंड ऑयल दोनों ऐड किया है ताकि केक जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट भी हो और टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो। नाउ आई ऐड 1/2 कप ऑफ मिल्क, वेनिगर 1/2 टीस्पून एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से बीट करेंगे। Now gradually add flour. अच्छे से बीट करें सारी चीजों को। जो रेस्ट जितने भी फ्लावर बचे थे वो मैंने सारे डाल दिए। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। चूल्हा की हेल्प से बोल को क्लीन करेंगे साइड से और अच्छे से फिर बीट करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना हो। मैं ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर 1 टीस्पून ताकि अच्छा रेड कलर इसमें आ सके। मैंने यहाँ पर स्टार शेप में मोड़ लिए हैं और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं बैटर को स्पून की हेल्प से फिल कर दूंगी।
इन बिटवीन मैंने अवन को प्री हीट पे रखा है 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। अब मैं इसे बेक करूँगी अवन में 10 to 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केक रेडी है। टूथपिक की हेल्प से मैं चेक कर रही हूँ, टूथपिक एकदम क्लीन निकला है। मैंने डीमोल्ड कर दिया है और केक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत सॉफ्ट है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं प्लेन विदाउट एनी टॉपिंग, और अगर आपको टॉपिंग करना है तो आप इसमें बटर क्रीम या चीज़ क्रीम आप कर सकते हैं। मैंने कुछ केक्स में चीज़ क्रीम मैंने टॉपिंग किया है और कुछ मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत प्यारा दिख रहा है और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। तो आप ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और अपना अच्छे से ख्याल रखें। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।